आज भी लड़ाई वहां नहीं रुकी है, आज भी वहां के लोगों को मारा जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है, महिलाओं के साथ रोजाना बलात्कार हुआ है, पेट में रहने वाली महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, और उसके उनको ये भी नहीं दिखता है कि ये पेट में है। वो महिलाओं को मैं बोलती हूँ कि क्यों आप लोग अपने आप को बचा के क्यों नहीं रहते हो, तो ये बोलते हैं कि नहीं अगर हम पुरुषों की तरह जंगल की ओर भागे, क्योंकि पुरुष तो भागी जाते हैं, जैसे रह जाए तो उनको या तो गोली चलाई जाती है या तो उनको इतनी बुरी तरह से मार के जेलों में घुसा जाता है। इसलिए महिलाएं भरना इसलिए नहीं चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो महिला नहीं बोलते, वो एक महिला कहती है कि मैं पेट में हूँ मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे, ये सोच के मैं अपने आंगन बैठी थी, लेकिन उस महिला को घर के अंदर ले जाए, उसका पेट उभरा हुआ, 10 लोगों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया, उसके साथ पूरे निवस्त्र किया, उसके बाद उसके पूरी वीडियो बना, और वही नहीं उनको ब्लाउज और पेटीकोट पहना पीछे बांध के ले जाके 2 बजे रात उस महिला को छोड़े उसका किया। क्या ये सब चीजों को क्या सुप्रीम कोर्ट या देश को क्या ये नहीं दिखता, सरकार को क्या ये नहीं दिखता? सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि आज जो आदिवासी की बात कर रहे हैं, आदिवासी के लड़ने की बात, आदिवासी तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन उनके सिवाय भी हर देश के हर कोने से, जैसे आज इस मंच में जितने हमारे साथियां बैठे हैं, आप सब है, चाहे मीडिया कर्मी हो, सब मिल के जो चीज आदिवासी के लिए हमेशा आवाज उठाई गई है और लड़ी जा रही है। अगर मान के चलो आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जो 5 लाख जुर्माना की बात है, अगर वो 5 लाख रुपए का जुर्माना भर दिया जाए उसके बाद क्या होगा, इसकी चिंतन करने की जरूरत है। इसलिए ये फैसला जो मैं चाहता हूँ, हम पूरे आदिवासी लोग हमारे जो पीड़ित वाले से भी बात हुई गोपाल से, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आज तो हिमांशु सर के ऊपर 5 लाख का जुर्माना डालेंगे और बाहर जाए, फिर कल को ये अरुंधति जी हो, आजाद जी हो या नंदनी जी, सबके ऊपर आएगा, आप सबके ऊपर आएगा, क्या आपके पैसे ही बर्तन है? क्यों हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उस सच्चाई की लड़ाई के लिए हम जुर्माना क्यों भरे? यह नहीं हो सकता है। मेरी भी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और 11 साल बाद में बरी हो गई, उसके बाद में आज मैं भाईजत ब्याह कर दिया, मेरे को 11 साल का कौन देगा, कैसे मेरे को चीज मिलेगा? और जब मेरे को जेल जाने से पहले जो यातनाएं दी गई है, जो करण शॉट दिया गया, गुप्तांगों में पत्र डाला गया, वो तो कलकत्ता की जो इलाज करवाए हैं वहां से उसकी प्रूफ भी मिली, मेडिकल प्रूफ, उसके बाद भी मुझे उम्मीद नहीं है सुप्रीम कोर्ट को यही कहूंगा कि फैसला कल को बोल देगा सोनी सोनी ने झूठा मुकदमा चला दिया, तो क्या उसके बाद हमारे ऊपर जुर्माना ठोके तक जुर्माना भरेंगे? नहीं, उससे बेहतर सुप्रीम कोर्ट साथ आज ही मैं ऐलान करके कहती हूँ, अगर ऐसा करने पर सुप्रीम कोर्ट अगर मुझे फांसी के पंजे में चढ़ा देना तो मैं उसके लिए मैं इतनी मतलब सम्मान के साथ रस्सी अपने गले में डालूं, लेकिन कभी मुकदमा आपको वापस नहीं लेंगे, ना तो हम जुर्माना भरेंगे। वो इसलिए क्योंकि हम सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं, ये नहीं हो सकता। अस्ते अस्ते हमारे अपनों के लिए, हमारे समुदाय के लिए, उन दलितों के लिए, उन भारत के ऐसे नागरिकों के लिए लड़ेंगे और मरेंगे, क्योंकि हमने जब जेल से निकला तो हम अपने लिए सोच किस मैदान में नहीं आए, इस भारत देश हिंदुस्तान के उन लोगों के लिए आके लड़ाई कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला उनको अगर हम उसको बहुत कमजोर बना के अगर उसके सामने घुटना टेकेंगे तो ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, कई लोगों के लिए यह मुसीबतें पैदा हो सकती है, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ। और रही सवाल जो गोमपाड़ में जिस बच्चे का आप यहाँ कटा हुआ दिख रहा है, वो बच्चा 9वीं क्लास में है, वो पढ़ाई कर रहा है, उससे मेरी मुलाकात होती है, वो बच्चा ये कहता है कि नहीं दीदी मैं जब स्कूल में जाता हूँ अपने हाथों को ढक लेता हूँ, ढकने के बाद ना चुपचाप रहता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलते? तो कहता है कि मेरे से पूछा जाता तुम्हारी उंगली को कैसे काटे, कौन काटा, क्या खाया, मैं क्या बताऊं? तो उस बच्चे के साथ का क्या ये ना था? तो आज ये फैसला करने के लिए उन सब की जरूरत है, बस्तर की उन आदिवासी की जरूरत है, भारत देश के उन आदिवासी की जरूरत है कि ये फैसला सिर्फ ना तो यहाँ बैठ के नहीं किया जा सकता, उस चीजों को तय किया जाएगा कि इसको आगे क्या करना है। उतने जैसे सोनी शंभु जैसे वहां मतलब इस हालात में गुजर रहे हैं, जिनके साथ इतना कुछ हुआ है और मार दिया गया है बिना जांच बिना कुछ हुए, इस तरह का आदेश देना, और यही नहीं है बस्तर में कब नहीं, आज भी लड़ाई वहां नहीं रुकी है, आज भी वहां के लोगों को मारा जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है, महिलाओं के साथ रोजाना बलात्कार हुआ है, अभी कुछ दिन पहले तो जैसे मृत्यु ताने में एक महिला वहां बीन रही है, उसको उठा के ले गए जंगल में, उन कितनी क्रूरता के साथ उसका बलात्कार कर दिए, वो महिला जब वहां हम गए तो सीधा बोल रही है कि ये व्यक्ति मेरा बलात्कार किया, लेकिन उसके बाद उनको पूछे गए क्यों सर आप बलात्कार करने के लिए हमारी बेटी बहन के लाए हो, क्या क्यों कर रहे हो, तो बताए नहीं, तो वो महिला बोलती ये किया है, दिन दाड़े मेरे साथ बलात्कार किया, पेट में रहने वाली महिलाओं के साथ बलात्कार होता है,
और उसके उनको ये भी नहीं दिखता है कि ये पेट में है। वो महिलाओं को मैं बोलती हूँ कि क्यों आप लोग अपने आप को बचा के क्यों नहीं रहते हो, तो ये बोलते हैं कि नहीं अगर हम पुरुषों की तरह जंगल की ओर भागे, क्योंकि पुरुष तो भाग ही जाते हैं, जैसे रह जाए तो उनको या तो गोली चलाई जाती है या तो उनको इतनी बुरी तरह से मार के जेलों में घुसा जाता है। इसलिए महिलाएं भरना इसलिए नहीं चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो महिला नहीं बोलते। वो एक महिला कहती है कि मैं पेट में हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे, ये सोच के मैं अपने आंगन बैठती हूँ। लेकिन उस महिला को घर के अंदर ले जाए, उसका पेट उभरा हुआ, 10 लोगों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया, उसके साथ पूरे निवस्त्र किया, उसके बाद उसके पूरी वीडियो बना, और वही नहीं उनको ब्लाउज और पेटीकोट पहना पीछे बांध के ले जाके 2 बजे रात उस महिला को छोड़े उसका किया। क्या ये सब चीजों को क्या सुप्रीम कोर्ट या देश को क्या ये नहीं दिखता, सरकार को क्या ये नहीं दिखता? कितना अभी जैसे बुर्कापाल में 111 लोग को बरी कर दिया गया, लेकिन ये सोच रहे हैं कि न्यायालय बहुत अच्छा इंसाफ दी है, हम जीत गए। ये नहीं, आज वहां बुर्कापाल के लोग ये कह रहे हैं, दीदी आप कहाँ हो? मैं बोले मैं दिल्ली में जा रही हूँ। तो दिल्ली वाले साथियों को, दिल्ली के लोग सभी को आप बताइए, हम 11-5 साल बाद बाहर तो आ गए, लेकिन जिएंगे कैसे? हमारी पूरी खेतों को पानी बाहर के ले गया, पूरा खेत मैदान बन गया, हमारे घर उजड़ गए, हमारे पेड़ पौधे उजड़ गए, हम कैसे जिएंगे? हमको जिंदगी जीने का भी एक सहारा चाहिए। हमारी आवाज को दिल्ली के साथियों को बताया जाए कि हम कैसे जिंदगी आगे जिएंगे। तो वो 5 सालों को कौन देगा, कैसे हो? और कितने उनके पुरुषों की, उनकी महिलाएं चली गई है, कितने लोग उनके माता पिता मर चुके हैं, ये सारी चीजें हो, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट आए चाहे भाजपा आए, तो आदिवासी के लिए तो पूरे खतरा। आप धर्म के नाम से भी मार रहे हैं, धर्म में भी एक आदिवासी के साथ ये कर रहे हैं। जैसे इड़मे मरकाम अभी 1.5 साल होने को है, अभी जेल में बंद है। वो उस महिला बहन ने क्या किया था, ये की आवाज उठाई थी कि नंदराज पहाड़ में जो 25-30 हजार आदिवासी 7-10 दिनों से वहां पर धरना प्रदर्शन हुआ, वो अडानी उस जगह पे जाके अपना मतलब माइनिंग करने के लिए, उसके लिए उसने आवाज उठाया। उस पहाड़ के कारण हमारे 6-7 लोगों को जो मतलब भगा के गोली मार के उनको मार दिया गया और उनको नक्सल का नाम दिया गया, और आज 10-15 लोग उस पहाड़ की वजह से जेलों में बंद है, और वो इड़मे मरकाम को भी जेल में बंद किया गया है। क्यों? इसलिए किड़मे मरकाम उस बातों को आवाज उठाए, तुम सब लोगों ने मिलकर आवाज उठाई, क्योंकि जो पहाड़ की बात नंदराज की कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा चट्टान, बहुत बड़ी पहाड़, जब मानसून चलता है उससे टकराव होता है, उस टकराव से फिर पानी बरसती है और पूरे हमारे लोगों का ये कितने लोगों की एक पानी की स्रोत बना है। उस पहाड़ को अगर अडानी जैसे लोग अगर कब्जा कर ले तो पहाड़ तो बिखर जाएगा, फिर क्या होगा मानवता का जीवन? इस बात को लेके एक लड़ाई लड़ी जाती है, तो हमको नक्सलवाद कह के वो कर दिया जाता है। और इनमें दूसरा ये भी सवाल उठाई थी कि महिलाएं वहां हमारे पालना की महिला थी, वो दिन दाड़े आके ये गांव में बैठे थे, वो कोई नक्सलवाद नहीं, उनको दिनों में उठा के ले गए, देख रहे हैं पुलिस वाले, पुलिस जब ले जा रहे थे लोगों ने देखा, सब लोगों ने कहा ले जा रहे, लड़कियां ने भी बोला कि हमको थाना या जवान ले जाइए, कैंप ले जाए, क्यों लेके जा रहे हैं हमको जंगल के? लेकिन उन लड़कियों को 2 बजे दिन को लेके गए और उनको इतनी क्रूरता के साथ बलात्कार किया गया, चीख रहते चिल्ला रहते आवाज दे रहे थे हमको बचाओ, लेकिन कैसे बचाएं? और उसके बाद उनको मन चाहे क्रूरता के साथ बलात्कार किया, उसके बाद गोली चलाने की आवाज आई तो गोली तुरंत जिले में पैक कर दिए, उसके बाद सबको मीडिया में चला दे रहा, हम 2 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिरा। जब उसकी डेड बॉडी में जाकर देख रहे हैं तो उस लड़कियों की बाल नहीं थे, कान नहीं थे, नाक नहीं थे, उनकी गुप्ताओं को पार दिया गया था। इतना क्रूरते के साथ ये चीजें आज भी बस्तर में कैसी चीजें खत्म हो गई है, नहीं हो गई है, ऐसे ही बस्तर का हालत चल रहा है। जैसे ताड़बल्ला में 5 लड़कियों को वहां पर बलात्कार किया गया, जबकि एक मतलब पुलिस पूरी तरह घेर लिया, बैरिकेड लगाए, जैसे पुलिस खड़ी हो गई, परिवार आ गए, पूरी वहां के गांव के लोग आए, बोल रहे हमारे बच्चों को क्यों ऐसे चीखने की आवाज आ, नहीं कुछ नहीं हो रहा, उनको पहले टांगों में गोली मारे, फिर उनकी क्रूरता के साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद फिर से गोली चलाई गई और उनके सामने जीवियों को बांध के बोल दिया गया, नक्सलवाद को मार गिरा है। बस ये चीजें चलती जा रही, इसीलिए इड़मे मरकाम बोलती थी कि देखो मैं जेल जाने को तैयार हूँ, मरने को भी तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ बलात्कार कभी नहीं होना चाहिए, इससे मैं थोड़ी भयभीत हूँ। इसलिए भयभीत हूँ कि इतने को बोलियों को देख रहे हैं क्या हाल करे, ये स्थिति है। अगर मान के चलो इतना कुछ हो रहा है, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि नहीं पर मतलब 5 लाख का जुर्माना, कल को और भी हमारे साथी लड़ेंगे उनके ऊपर, यही कहेंगे कि 5 लाख का या 2 लाख का, लेकिन कब तक? पैसे की बात नहीं है,
बात है पूरे आदिवासी समुदायों की लड़ाई को कमजोर करने का ये तरीका है और ये नहीं होना चाहिए। इस बात से तो हम बिल्कुल भी मैं सहमत नहीं हूँ। हम आदिवासी बिल्कुल नहीं, तो इससे हमको हर बार घुटना टिकाया जाएगा। तो क्या कि अभी बजट अभी मान के चलो बुर्का पाल वाले के लिए करे ना सरकार, केंद्र सरकार करे, राज्य सरकार करे, कुछ तो करे। जितने लोग आदिवासी को 10 साल 5 साल 6 साल रख के उनकी भाईजत रिहा कर दिया जाता है, उसके बाद उसको पूछते तक नहीं है। और वो जो इस तरह फर्जी केस लगा के जेलों में ठूस के इस तरह से यतनाएं दे रहे हैं, तो उनके ऊपर केस नहीं लगना चाहिए, उनके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहिए। क्यों कह जाता है कि कानून सबके लिए एक है, सबके लिए कानून एक है, तो क्यों ऐसे? क्योंकि आज डंग एक चोट पे जाके पुलिस क्या बोलती है, सुनो गांव वाले सभी लोग सुनो, हम शिकार करने आए हैं। मतलब पहले हमारे आदिवासी जंगलों में शिकार करते थे, आज वहाँ की DRG वहाँ की बस्तर बटेल कई तरह के चीजों का एक मतलब संगठन बना बना के पुलिस बनाए, हम शिकार करने आए। बिना शिकार करे बिना कुछ मिले हम कैसे जाएंगे? इसे लुटा के गाँव के किसी भी व्यक्ति को ले जाएंगे, महिला का बलात्कार करेगा और उसके बाद क्या बोले, ए सुनो तुम्हारे साथ सरकार नहीं, सरकार हमारे साथ 10 बार आएंगे तुम्हारा बलात्कार करेंगे, ऐसे एनकाउंटर करके हम चले जाएंगे, हमारा कोई बाल बका नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि सरकार हमारे साथ है, वही चीज का आज सुप्रीम कोर्ट भी ये इस तरह फैसला देके ताकत पैदा कर रहे, इससे होगा क्या? तो ये बातें कह के पुलिस जैसा सर के गुड़ा में हुआ, उसके लिए जब आयोग ने कह दिया ना कि निर्दोष आदिवासी को वहां पर मारा गया, तो क्यों FIR नहीं हो रहा, क्यों उनको जेलों में नहीं चूसा जा रहा? जब तक इस तरह के अपराधी वो पुलिस लेवल में रह के जो सरकार जो करे, सरकार भी एक तरह की गुंडा गिरती करके वहाँ लोगों को छोड़ रखा है, मन चाहे जैसा चाहे वो पुलिस अपने दम मतलब बंदूक लेके ये चीजें कर रही है। तो ये लगता है कि आज गोमपाड़ के बारे में ज्यादा बात होती है, तो गोमपाड़ के लोग दिल्ली आने को तैयार हैं और ये बातें सब सारे सुन रहे हो कि पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति बने तो उससे बहुत कुछ उदार होगा, बहुत कुछ अच्छा होगा। लेकिन मेरे को तो ये नहीं लगता होगा या नहीं होगा, लेकिन पहले आप सबके सामने मेरा यही रहेगा सबसे फर्स्ट में कि राष्ट्रपति के लिए आप जरूर आवेदन देंगे तो उसमें कोई हम बस्तर की एक नहीं जाएंगे, दिल्ली के हमारे जितने साथी भी हैं और बस्तर के लोग वो फर्स्ट में मुलाकात करने जाएंगे वो राष्ट्रपति से। और हमारा एक आवेदन होगा कि बस्तर के लोग से मिले और बस्तर के लोग आएंगे राष्ट्रपति से मिलेंगे, वो अपने दर्दों को बताएंगे। अंतिम व्यक्ति जो हर दिन इस जुल्म से सह रहा है, जूझ रहा है, कैसी यातनाओं को सह रहा है, कितने बलात्कारों को सामना करना पड़ रहा है, कितने एनकाउंटर, वो सारे बस्तर के लोग आएंगे, साथ साथ हमारे पूरे भारत देश के वो आदिवासी उनके समर्थन में रहेंगे। ये मेरी अपील है, अगर ये बात सब तरफ इतना उत्साह बना दिया जा रहा है कि आदिवासी राष्ट्रपति बनी है तो बहुत कुछ करेगी, तो हम भी एक उम्मीद के तौर पर आप सबके सामने एक ऐलान कर रहे हैं कि हम जरूर राष्ट्रपति से एक आवेदन जारी करेंगे कि हमारे बस्तर के टीम से मिले, बस्तर वासी से मिले, साथ साथ हमारे दिल्ली से भी कई कुछ सामाजिक कार्यकर्ता संगठन ये सब। इसलिए बात ये भी आती आदिवासी है तो ये लोग क्यों, ये बात नहीं, आज आदिवासी और दिल्ली में रहने वाले या कहीं रहने वाले, क्योंकि हम सब एक मानव जाति के एक हैं, तो ये लड़ाई हम सब मिलके ही लड़ रहे हैं। सोनी सोनी को सिर्फ एक आदिवासी ही बाहर नहीं लाए, सोनी सोनी को लाने के लिए पूरे देश के लोग हर वर्ग के जाति वर्ग के लिए, हम जातिवादी की बातें कभी करते नहीं और ना लड़ेंगे ना करेंगे। तो सबको जरूरत है बस्तर को बचाने के लिए, पूरे भारत देश में आदिवासियों को बचाने के, उन दलितों के। आज तो मुझे इस बात की बहुत फख्र और खुशी हुई कि आजाद भाई हमारे पास आए हैं, तो मैं आजाद भाई बातें साथ यही बोली, आप दिल्ली में कदम रखे हो तो चलो ना बस्तर साथ चलते हैं, फिर बताते हैं कि बस्तर के उन जो जुल्म हो रहा है एक साथ मिलके हम गोमपाड़ से हमारे पीड़ितों को आगे बढ़ाएंगे और सब मिलके चलो हम दोनों एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बाकी हमारे साथी तो है ही हमारे साथ। ये मैंने आजाद भाई काते साथ कहा तो मुझे उम्मीद है कि जरूर बस्तर आएंगे और बाकी जो बैठे हैं उन साथी तो लड़ते ही रहे हैं, और फिर अरुंधति राय हैं, गंदरी सुंदर जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, मतलब प्रसाद जी वगैरह सबका यही है कि क्योंकि प्रसाद जी ने एक बात बोले थे कि वो बात मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं बोले पार्टी ज्वाइन करके मैं उनसे पूछी थी आप पार्टी में नहीं है लेकिन मैं तो हूँ क्या, उससे क्या होता है, आप अपनी बस्तर को देखना, बस्तर के लिए लड़ना है, आप पार्टी ज्वाइन करके ये लड़ना ये मैंने कभी नहीं बोला, आपको अपने बस्तर के लिए उन लोगों के लिए हमेशा बुलंद आवाज करके ताकत से, क्योंकि तुम्हारी ताकत खत्म ना हो इसलिए एक मैदान दे के हमको वहाँ पर भेजना पड़ा और उसको हमेशा बरकरार रखना सुनी, और ये हमारा आशीर्वाद और हमारा हमेशा बने रहेगा। ये प्रसाद जी के बोले थे तो उसको हमेशा मैं याद करती हूँ, और हमारे गुरु जी तो है ही हैं सब, तो ये बहुत खुशी की बात है
कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले लाने से हम एक झूठ होके आज एक मंच में बैठ के ऐलान कर रहे हैं, तो मुझे फिर सो दिन याद आ रहा है जब हम जेल की कोठी में रह के सुनती थी कि नहीं उस मतलब एक आदिवासी दलित सबके लिए एक आवाज उठी है, वो आवाज अब फिर से आज से शुरुआत हो चुकी है ऐसा मुझे लगता है। और मैं इस विश्वास के साथ हूँ कि मैं ये लड़ाई अब बहुत बुलंदी तक छुएगी। इंकलाब जिंदाबाद।